concerning the public money. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम तमाम अकादजा और तलबा यहाँ मौजूद हैं और हमारी खुशकस्मती है कि हमारे दरमियान आज एक वर्सेस मेहमान तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं बाकायदा तारुफ आपके पेश कर दूँगा। तालीमी इदारे नर्सरी होते हैं किसी भी कौम की नज़रियाती तरबियत की नर्सरी होते हैं, और उन तालीमी इदारों में जो चीज़ उनको मुनफरिद करती है वो उनका विजन होता है। तो एमलम हायर सेकेंडरी स्कूल के बिहाफ पर आज हम यहाँ मौजूद हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा इदारा, हमारा तालीमी इदारा रिवायत शिकन भी है और रिवायत साज भी है, यानी बहुत सी नई चीज़ें अपनाना, नई चीज़ें करना, नए आइडियाज़ के साथ आगे चलना, ये इस इदारे की एक अनोखी चीज़ है। और इसी तरह कुछ चीज़ें जो चलती चली आ रही हैं जिनका शायद हमारी कौम हमारे नफ़े नौ से शायद ताल्लुक ना हो, उन चीज़ों को हमें, उन रिवायात को हमें ख़त्म करना पड़ता है और कुछ नया सोचना पड़ता है। आप जानते हैं कि माह नवंबर आया चाहता है, अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, और ये नई रिवायत भी एमएम स्कूल ने शुरू की कि इस माह नवंबर को सिर्फ 9 नवंबर के एक दिन तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि पूरे इस माह को हज़रत अल्लामा इक़बाल जो हकीमुल उम्मत हैं, मुसव्विर पाकिस्तान हैं, फिलासफर भी हैं, शायर भी हैं, और अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि वो तर्जुमाने कुरान भी हैं, कुरान की तर्जुमानी आपकी शायरी में चलती है। तो उनकी हिकमत, उनके कलाम, उनकी फिक्र से हम इस माह को मौसूम करने चले हैं, और इसमें हम करेंगे क्या नया पैगाम इकबाल की शायरी में से, और उस नए कलाम, नई सोच, नया मैसेज हम पेश करेंगे, हम उसको जो है वो पब्लिक करेंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एफिकेसी क्या है, किस तरह इसको रिलेट किया जा सकता है आज के दौर के साथ। इस दफ़ा जो चीज़ हम नई करने जा रहे हैं वो हम बहुत से तालीमी इदारों को अपने जलों में लेकर चलने की कोशिश करेंगे। पिछले साल भी हमने एक स्कूल्स कॉम्पिटिशन किए और बहुत से प्राइवेट तालीमी इदारे हमारे साथ आए। इस दफ़ा हमारी कोशिश ये है कि प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन हैं उनके तआवुन के साथ हम नए तालीमी इदारों तक, स्कूल तक पहुँचेंगे, और वो भी इकबाल और इकबाल से मुतालिक डिबेट्स, आपका कलाम, आपकी शायरी, आपकी फिक्र को आम करें।